वेलकम टू स्वादिष्ट किचन विद रिंकी। आज की रेसिपी चिली पनीर बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है और पनीर को इस तरह से क्यूब में काट लिया है। अब एक बोल में 1.5 कप के करीब गर्म पानी लेंगे और इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक डालेंगे और नमक को पानी के साथ अच्छे से मिला देंगे। अब इसमें पनीर का जो क्यूब्स है उसे डाल देंगे और इसे 15 मिनट भिगा के रखेंगे। इससे पनीर के अंदर तक नमक चला जाएगा। 15 मिनट के बाद पनीर को पानी से निकाल लेंगे। अब पनीर को एक बोल में लेंगे और इसे कोट करेंगे। अब इसमें 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे, एकदम थोड़ा सा ही नमक इसमें डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, अदरक लहसुन पेस्ट 1 टेबल स्पून। अब इसे अच्छी तरह से हाथ से पनीर के साथ मिक्स करेंगे और पनीर को कोट कर लेंगे। और ये देखिए पनीर का कोटिंग हो चुका है। अब इसे हम तेल में फ्राई करेंगे। गरम तेल में एक एक करके सारे पनीर डाल देंगे और पनीर को हम लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। 1-2 मिनट के बाद पनीर को हम पलट देंगे और इसे गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए पनीर को हमने गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लिया है। अब पनीर को हम तेल से निकाल लेंगे। अब एक दूसरे पैन में 2-3 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो जाए तब इसमें 1 टीस्पून जीरा, 3-4 चॉप्ड किया हुआ लहसुन की कलियाँ, 3-4 हरी मिर्च। अब इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें कैप्सिकम, प्याज और टमाटर डालेंगे। सारी चीज़ों को मैंने क्यूब में काट लिया है। अब इसे हम 1 मिनट तक फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पे। इसी के साथ हम इसमें 1/2 टीस्पून के करीब नमक डालेंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे कवर कर देंगे 2-3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। 3 मिनट के बाद लीड को हम खोलेंगे और सारे चीज़ों को एक बार करछी से चलाएंगे। अब इसमें सोया सॉस डालेंगे 1 टेबल स्पून, विनीगर 1 टेबल स्पून, ग्रीन चिली सॉस 1 टेबल स्पून, टमेटो सॉस 2 टेबल स्पून। टमेटो सॉस आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से एक बार मिला देंगे। अब इसमें कॉर्नफ्लावर डालेंगे 1 टेबल स्पून। कॉर्नफ्लावर को मैंने 1/2 कप पानी में मिक्स कर लिया है। अब इसे अच्छी तरह से सारी सब्जियों के साथ मिलाएंगे और हाई फ्लेम पे इसे 2 मिनट तक पकाएंगे। अब इसमें फ्राई किया हुआ पनीर ऐड करेंगे और इसी के साथ ही इसमें 1/2 टेबल स्पून चीनी डालेंगे, ये ऑप्शनल है। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके 2-3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसे पकाएंगे। अगर आप पनीर में ग्रेवी चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लीजिए। और 2-3 मिनट के बाद यह हमारा चिली पनीर बनके तैयार हो चुका है। अब इसे हम सर्व करेंगे। आप भी इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। पसंद आए तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।